आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां माहौल को देखते हुए अपनी अपनी रणनीति तय कर रही हैं। सभी पार्टियां किसी न किसी माध्यम से आयोजन सम्मेलन करा रही हैं। हर कोई हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है। वही पार्टियों में तमाम तरह के फेरबदल चल रहे हैं, गठबंधन चल रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ की 9 विधानसभा में कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को भी घोषित कर दिया है और अभी के कुछ उम्मीदवार बाकी भी हैं। वहीं हम बात करें पश्चिमी विधानसभा सीट की, तो बसपा की सीट की तरफ से कायम रजा को अपनी दावेदारी पेश करने का मौका मिला है। ऐसे में आज जानते हैं कि आम आदमी की इस पर क्या कुछ राय है। 2022 का विधानसभा चुनाव अब जोरों पर है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग पश्चिम विधानसभा पे है, जहां से बसपा से दावेदारी कर रहे हैं कायम रजा खान, जो आज अपने क्षेत्र में मौजूद हैं और क्षेत्र की व्यवस्था का जायजा लेने आज यहां पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ कायम रजा खान मौजूद हैं, जिनसे आज उन पे बात करेंगे कि वो किन चीज़ों को लेकर, किन विचारधाराओं, किन एजेंडों के साथ में आज अपनी दावेदारी को मजबूत करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कायम रजा खान से। कायम जी, ये जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आज 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी? रणनीति देखिए, नमस्कार, मैं कायम रजा खान बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी हूँ, 171 विधानसभा लखनऊ। रणनीति हमारी ये है कि देखिए, इस क्षेत्र में जो पिछले सब वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है, तो मेन जो समस्याएं हैं वही लेके चल रहे हैं और जो हमसे हो सका हमने यहाँ किया भी है। बाकी जो बहुत ही ज़रूरी काम है यहाँ पे, जैसे सड़क है, बहुत एरिए में सड़क ही कहीं नहीं बनी है, लोग चलने को तरसते हैं और आप समझ लीजिए पानी पीने की सुविधा नहीं है। लाइट की आप अभी देखिए, सर्वे करिए आप कि एक एक किलोमीटर पे बांस पे लाइन दिए हुए हैं और 150-150 लोगों को कनेक्शन दिए, लेकिन खंभे नहीं गड़े हैं। तो यही मेन समस्याएं हैं जो उनको हम दूर करते रहेंगे आगे चलते। अच्छा, और ये बताइए कि जिस तरीके से सपा बसपा ने अपना प्रचार प्रसार काफ़ी चरम सीमा पर रख रखा है, वहीं पे बसपा की अगर बात करते हैं तो काफ़ी एक शांत प्रचार एक चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी लाइन ऑर्डर की पार्टी है। हम लोग जो निर्देश आता है ऊपर से बहन जी का, हम लोग उस पर चलते हैं। कैडर की पार्टी है, कोई हुल्लड़ हंगामा नहीं करते और सख्त मना है बहुजन समाज पार्टी में कि आप कोई भी दिखावा फर्जी का नहीं करेंगे। जो गाइडलाइन ऊपर से आएगी वही करा जाएगा और जो गाइडलाइन चुनाव की है, चुनाव आयोग की है, हम लोग उसको पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग फील्ड में हैं, फील्ड में हैं। देखिए, हम जो बड़ी मीडिया है वो हम लोग को चैनल पर नहीं दिखाती, आप लोग जैसे पोर्टल है, आप लोग हो प्राइम टीवी वाले, सब लोग आप बराबर पर दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल जो है हम लोग को नहीं दिखाएंगे, छोटे चैनल हमको कवर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही और सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2022 में। कायम जी, आपके क्या मुख्य एजेंडा रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में अपनी पैठ बनाएंगे? जनता देखे खुद जानती है कि मुद्दे क्या है और जनता वही मुद्दे देख के, वही समझ के लोग वोट कर रहे हैं। लोग जनसंपर्क हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष और हर बिरादरी, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की हमारी पार्टी है और बराबर सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हर बिरादरी का साथ हमारे साथ में है। बाकी कायम रजा जी, आप जैसे पश्चिमी विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आपने यहाँ पे तमाम कार्य किए हैं, कौन कौन से कार्य आपके मुख्यतः तौर पर किए हैं जो आप आज तक कर चुके हैं और कौन कौन से कार्य आप करने वाले हैं? अब हम अपने मुँह से क्या बताएं, आप जनता से पूछिएगा, जनता बताए खुद आपको हमने क्या किया, हम अपने मुँह से अपनी तारीफ क्या करेंगे जी? बाकी आप जनता से पता करिए हमने क्या किया जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ पश्चिमी विधानसभा से हमारे साथ कायम रजा खान हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ पे तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है कायम रजा खान के लिए, क्या वो चाहते हैं कि आने वाला 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो क्या चाहते हैं कि कायम रजा खान अपने साथ, मतलब कायम रजा खान यहाँ पर मौजूद रहें। तो क्या नाम है आपका? चंदा कली।
चंदा करी। चंदा जी ये बताइए कि यहाँ पर अब जिस तरीके से आप जानी रही हैं 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है और अब यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं कायम रजा खान, उसके लिए आप क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं? यही चाहते हैं कि आप इनको जिताना है हमको, और सब जो हमारे साथ मदद किया है वो सब हमको उनको लिए मदद करना है उनको जिताना है। आपका नाम क्या है? नीरू चौरसिया। ये बताइए कि आप अपने विधायक में क्या चाहती हैं, आपके विधायक के अंदर क्या क्या ऐसी बातचीत, क्या ऐसी बात होनी चाहिए जो एक अच्छा विधायक कहला सके? विधायक मैम यही बस हम लोगों को चाहिए ना कि हमारे इधर की स्थिति अच्छी हो, हम लोग परेशान हो तो कोई बात कहे तो उसकी सुनवाई की जाए। अब जब रजा खान विधायक नहीं थे तब सुनते थे हम लोग की इतनी मदद की है, और जब बन जाएंगे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा करेंगे, यही चाहते हैं बस। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू द्विवेदी है। हाँ जी, और नीतू जी ये बताइए कि आप कायम रजा खान जो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं बसपा से और कई सालों से अपना इसमें राजनीति में बने हुए हैं, उसमें आप क्या चाहती हैं कि आपका विधायक किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या आपकी मांगे रहेंगी? हमने देखिए इस क्षेत्र का काफ़ी भ्रमण भी किया हुआ है, सारा समझा हुआ है क्षेत्र, और सभी लोगों से जो बातचीत करी है उसमें भी हमने देखा है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो सब हम लोगों ने नोट डाउन करके रखी हैं। जब ये हमारे क्षेत्र से ये जीत जाएंगे कायम रजा खान जी तो हम ये समस्याएं सब उनके आगे रखेंगे और 100% वो समस्याएँ दूर की जाएंगी, हमें पता है। इसलिए हम चाहते हैं इन्हीं के जैसा हो, हमें मालूम है ये सबकी परेशानियों को दूर करेंगे, जिस क्षेत्र में जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होंगी, इसीलिए हम चाहते हैं ये जीतें और ये जीतेंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, अच्छा पूजा जी, ये कई समस्याएं रखने की बात अभी कर रही थी कि बहुत सारी समस्याएं हैं, आपकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, क्या चाहती हैं कि आपका विधायक जब आए तो वो उन समस्याओं को सुलझाए, आपकी परेशानियों को दूर करे? हाँ यही है, जब आएंगे तो देखा जाए, मगर अभी तो काम अच्छा ही किए हैं अभी तक। ये जब पहले हमारे घर बना तो एकदम सड़कें एकदम बहुत बेकार थी, मतलब आते डर लगता था। अब देखिए ये सड़कें देख लीजिए, दूर से ही डर लगता था इधर कैसे आए, गाड़ी से छोड़ दीजिए पैदल जाते डर लगता था, मगर अच्छी बात है। अच्छा, आएंगे और हम लोग चाहते हैं कि आए जी। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जो अभी मौजूदा सरकार है उस सरकार से आप चाहेंगी क्या, वो सरकार दोबारा से आए या फिर आप सरकार को बदलना चाहती हैं? अरे जब हम सब सरकार हमारी पार्टी करे वो भी हम ही करब बच्चा। हाँ। अब ये तो जब से सरकार बनी है तब से बहुत कुछ की है, अब इनका छोड़ के अब जो कोई आए तब उन्हें चुना जाए, दूसरे को नहीं बिटिया जी। हाँ। आप कुछ कहेंगी जी? क्या हम लोग चाहते हैं कि कायम रजत खान जीते जी। क्योंकि जब कोरोना हुआ था हाँ। तो इन्होंने हम लोगों की बड़ी मदद की थी जी। पूरे क्या नाम होता है, सारे मोहल्लों वालों को आटा चावल दाल नमक तेल प्याज जहाँ तक आलू तक सारा चीज इन्होंने सबको बुला बुला के घर घर दिया गया था। तो उन्होंने जो इंसान हमारे वक्त पे काम दे हम उनकी सहायता करेंगे। हम लोग इतने दिन हो गया 10-12 हमको यहाँ पर आए 12 साल हो गया मकान बनाए, यहाँ से लेके वहाँ तक यहाँ तो इतना इतना गहरा था कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये रोड कभी बन सकती है, सपने भी नहीं सोच सकती थी क्योंकि वो रोड तो बहुत सही थी, ये रोड तो पूरा गड्ढा था यहाँ तक का। पर यहाँ पर जितने लोग भी आए, राजनाथ सिंह आए, उनकी बहुरिया आई, सब लोग यहाँ बैठ के दो दो तीन तीन घंटा सब लोग क्या किया, कुछ नहीं किया, किसी को एक गिलास पानी तक नहीं नसीब हुआ, आराम से चले गए, दोबारा यहाँ पर कोई झांकने नहीं आया कि जनता कैसी है कैसी नहीं है। तो हम अगर जो कोई बात ऐसी होगी तो हम अब भैया के पास जाके उनसे बात तो करेंगे कि भैया मेरे घर की ये समस्या, आप मेरी समस्या दूर कर दो। यहाँ तो जो भी प्रधानमंत्री बना हम लोग तो जानते भी नहीं है कौन प्रधानमंत्री है कौन क्या है, किस इसके 4-5 बारी बच्चे लोग गए नाली नूली के लिए बताने के लिए, पर वो लोग आए नहीं, झांकने भी नहीं आए, ना किसी जमादार को बुलाए, ना कोई देखने आए, कुछ भी नहीं करने आए। तो हम ये बात चाहते हैं कि हम कायम रजत खान जी इस बार हम लोग सारे सपोर्ट पूरी पब्लिक सपोर्ट कर रही है कि कायम रजत खान भाई साहब जीते और
हम लोगन की भी जिंदगी में समर्थन है। आपका आपका नाम क्या है? प्रतिभा गुप्ता है मेरा नाम। हाँ जी जी, जब इधर कोरोना काल हुआ है तब तो कोई विधायक मंत्री कोई नहीं दिखा है। अभी समय इलेक्शन का टाइम है तो सब निकल के आ रहे हैं। हमारा पूछने का टाइम कि उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय सिर्फ एक ही बस विधायक दिख रहे थे, कायम रजा जी। वही आके सबके घर घर जाके बेचारे पूछे हैं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। जो बच्चे बहुत भूखे थे उनके यहाँ राशन दिया है, राशन पानी दिया, उनके घर में पहुँचाया है सबके यहाँ। उनको कोरोना नहीं हुआ, उनको कोरोना का डर नहीं था, और सबको बड़ा कोरोना का डर था जो लुके बैठे हुए थे। अब उनको कोरोना नहीं दिख रहा है, अब इलेक्शन के टाइम कोरोना नहीं है, अब बाहर निकल के क्यों आ रहे हो? अब भी लुक के बैठो भाई। जनता को मुफ्त तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, जनता को चाहिए पढ़ाई बच्चों की, और चाहिए अस्पताल फ्री जिससे गरीबों का इलाज हो चुके। सारे बच्चों की पढ़ाई तो चौपट हो गई है, क्या करेंगे आगे? उनका भविष्य क्या है? पूरा भविष्य बर्बाद हो गया बच्चों का। तो ऐसे भैया कौन चाहेगा? ऐसे ना विधायक आए ना मंत्री आए, किसी को हम लोगों को नहीं चुनना। कायम रजा जी ना ही विधायक है ना मंत्री, एक बहुत अच्छे इंसान है जो गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके पास कोई भी गरीब जाए किसी भी क्षेत्र का, अगर उनसे कुछ भी कहे तो वो इंसान ऐसे हैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो हम लोगों को उन्हीं को अपने क्षेत्र में आपकी लाना है। तो भाई हमने अभी बात की पश्चिम विधानसभा से, लखनऊ की पश्चिम विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर कायम रजा की बयार बह रही है, जहां पर लोगों ने उनका बोलबाला आप देख सकते हैं, उनका बोलबाला है क्योंकि उन्होंने किसी भी वक्त में जब भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना रहो, कोरोना काल में भी पूरी तरीके से उन्होंने मदद कही है। लोगों का कहना ये भी है कि वैसे कोई भी विधायक या नेता यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो सब यहाँ आने रहते हैं। लेकिन कायम रजा खान एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने इलेक्शन में ही नहीं, इलेक्शन के बिना भी यहाँ पर लोगों का सहयोग किया है, लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और लोगों की मदद की है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। प्राइम पब्लिक और सरकार की खास पेशकश में अयोध्या ज़िले के बीकापुर विधानसभा में मैं आज ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा हूं और जानता हूं कि चुनावी विगुल बज गया है। यहां की जनता का राय लेते हैं, यहां की जनता किसको गद्दी सीन देखना चाहती है और यहां का माहौल क्या है कि चुनाव किस तरीके ये लोग मतदान करेंगे और क्या क्या इनकी राय है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ में हैं बुजुर्ग चाचा। 2022 चुनाव है, तारीख तय हो चुकी है और अब क्या लगता है कि गद्दी सीन कौन हो रहा है? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कहाँ है? महंगाई कुछ नहीं है, नहीं महंगाई फहंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो लोग अपने आप बना लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जो है सरकार हमारी बन रही है 2022 में। नहीं बनेगी, क्या लगता है आप? नहीं बनेगी उनकी सरकार, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अच्छा तो हाँ बिल्कुल, सपा को बता रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी, तो हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, आइए हम जानते हैं इनसे भी कि चाचा 2022 चुनाव का बिगुल बज गया है, क्या लगता है आपको कि आपकी बार सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी जी, बीजेपी, बीजेपी। हाँ योगी जी आएंगे हमारे। महंगाई कुछ भी नहीं है, महंगाई तो ये लोग अपने आप बढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? कोई महंगाई नहीं, योगी की सरकार बनेगी और उनको चिल्लाने तो जो चिल्ला रहे हैं। जनता कह रही है कि सांड और बछुआ। हाँ सांड तो मैं भी पाल रखा हूँ साहब जी, लेकिन वही सांड की व्यवस्था हो जाती तो हमको कोई तकलीफ नहीं और। हाँ बांध के खिलाता हूँ, लेकिन अब मारने लगा वो, मार रहा है इसलिए अब डर लगती है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अखिलेश के कहने से क्या होगा, अखिलेश अपना पहले घर संभालें, अपने घर से संभालें, वहाँ से फिर बात करें वो कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा संधि भी उनके भगाए। तो ये देखिए बिल्कुल जो दावा राजनीतिक पार्टियां ठोकती हैं वही आज जनता भी बोल रही है कि अखिलेश जो है वो पहले अपना घर संभालें फिर उसके बाद सरकार संभालेंगे। तो हमारे साथ में चाचा हैं, चाचा 2022 का बिगुल बजा है, तारीख तय हो गई है, क्या लगता है गद्दी सीन कौन होगा? योगी होंगे, योगी होंगे। हाँ और बहुमत के साथ होंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं योगी को नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। अच्छा जी चाचा,
जी जी। क्या लगता है 2022 किसका होगा? ऐसा है कि भाजपा ने जो जो काम किया है तो वो काम अभी तक किसी पार्टी ने किया ही नहीं, और जो कर डाला और जो कर रहे हैं वो कभी कोई कर ही नहीं सकेगा। तो जो मजबूत हो, जो बनने लायक है, मतलब मंत्री बनने लायक है, मुख्यमंत्री बनने लायक है, वही बनेगा, उसी को बनाएगी जनता। अगर मान लो इधर उधर के बंदों को लगा खड़ा कर दें वहाँ पे, जिनको कुछ आता जाता ना हो, तो सरकार क्या चलाएंगे, वो तो बेच देंगे सरकार को। कांग्रेस की प्रियंका गांधी का कहना है कि नारी शक्ति एक ही शक्ति होती है जिसको लेकर के वो चुनाव लड़ रही हैं। नारी शक्ति होती है, ठीक है, नारी शक्ति अच्छी बात है, लेकिन अच्छा कर्म करने वाले को ही विजय मिलती है, चाहे नारी हो चाहे नर हो, जो अच्छा कर्म करेगा उसको मिलेगी विजय। अभी ऐसा तो लगा नहीं कुछ कि भाई प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया हो जी, जिससे लग रहा हो भाई नारी शक्ति बहुत ज़्यादा उभर के आ जाएगी। तो यही हमारी विचारधारा है। तो 2022 किसका? अब 2022 पहले भी जिसका था उसी का अब भी होना चाहिए, उसी का होगा, उसी का होगा। हाँ, हम तो भाई जनता तो गाय बछुआ से परेशान हो रही है। नहीं, गाय बछुआ से परेशान हम भी हैं, लेकिन तो गाय बछुआ को हम क्या करें, गाय बछुआ तो हम ही लोगों ने छोड़ दिया, तो परेशान होंगे ही। हाँ, एक चीज़ से परेशान है, नील गाय से। नील गाय जिस सरकार की देन है उसको चाहिए कि नील गाय अपना ले जाए चिड़िया घर में छोड़े, या कहीं पे जहाँ उनके लिए व्यवस्था कर रखी हो वहाँ छोड़े। उससे क्या होगा कि हमारी कृषि का जो उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा राशन वासन बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसी से पूरा पड़ जाएगा पूरी जनता का, और पूरा देश खुशहाल रहेगा। अच्छा, क्या लगता है 2022 में जिस तरीके महंगाई के लेकर के, क्या महंगाई मुद्दा भी रहेगा? कोई मुद्दा नहीं रहेगा, कोई मुद्दा नहीं रहेगा, महंगाई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अच्छा, तो बिल्कुल जिस तरीके आप देख रहे हैं कि महंगाई मुद्दा जो है वो कुछ नहीं रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, और योगी की सरकार फिर यहाँ की जनता देखना चाहती है, तो हमारे साथ में कुछ और भाई लोग हैं, नौजवान हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं कि जो अयोध्या की डेट जो है, तारीख तय हो चुकी है, चुनाव का आगाज हुआ है, और अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दांव खेल रही हैं, तो हमारे साथ में हैं भाई, 2022 चुनाव को लेकर के क्या तैयारी आपने की है, चुनाव किसका रहेगा आपकी बार, गद्दा सीन कौन होगा? भाजपा का रहेगा। भाजपा का रहेगा जी हाँ। अच्छा जी, क्या लगता है? अच्छा, क्या लगता है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी जी, कहाँ के रहने वाले? रामदासपुर मझौली। रामदासपुर मझौली जी जी। तो 2022 फिर योगी का? हाँ हाँ, योगी का रहेगा। अच्छा अच्छा जी। यहाँ के विधायक रहे अमित सिंह जी जी, भाजपा के ही हैं जी जी, शोभा सिंह चौहान थी, और इधर आ जाओ। क्या बताइए, क्या था, क्या क्या विकास कार्य कितना हुआ? अरे, विकास कार्य अच्छा हुआ, और क्या हुआ, फिर विकास कार्य हुआ है। हाँ हाँ, हुआ है, करवाई है, करवाई तो है ही है। अच्छा, तो सड़कें सब अच्छी है, और क्या। हाँ, सड़कें अच्छी है, और क्या, पहले से तो अच्छी है, पहले से अच्छी है, गड़बड़ थोड़ी है, कितनी सड़कें बनवा दिया, कितनी निकल गई लोगों को आने जाने के लिए, फोर लेन भी करवा दिया। 2022 चुनाव जी जी, कौन आ रहा है गद्दी पे 2022 का? हम मोदी आ रहे हैं। मोदी तो केंद्र में है, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री वैसे आने की तो संभावना है मुलायम सिंह का। मुलायम सिंह, अरे वाह, क्या बात की, आने की संभावना है। किसको वोट कर रहे हैं जी आप सब? जिसको कहे उसको दे दें, हमको कोई दिक्कत हमको नहीं है। महंगाई है जी जी, महंगाई तो है गवर्नमेंट जी जी। क्या लग रहा है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है जी। गाय बछुआ? गाय बछुआ तो ऊपर चल रहे हैं, सब खा ले रहे हैं पूरा। तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मुख्यमंत्री मोदी बनेंगे? मुख्यमंत्री मोदी नहीं बनेंगे जी, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो हैं। योगी तो बिल्कुल, तो कहीं योगी हैं तो कहीं अखिलेश हैं, तो हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, आइए हम जानते हैं कि 2022 चुनाव है जी सर, तो इसको लेकर के कितनी तैयारी आपने की है? तैयारी यही है सर। सरकार किसकी होगी उत्तर प्रदेश में? सर अभी आएंगे तो परेशानी तो सर खेती के ऐसे ही है, रात भर हम लोग खेत में ही पड़े रहते हैं ठंडी में। सर यही करेंगे, ये सरकार में यही प्रॉब्लम है, क्या करेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब की बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार अब की बार बदलना चाहिए सर। बदलना चाहिए जी।
तो बिल्कुल बदलाव देखना चाहते हैं ये जी। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट से ये खुश नहीं है, कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। महिला किसान आई हैं हमारे साथ में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गन्ने की पाती को ले करके और ये आ रही हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्या रहेगा, इनकी राय क्या रहेगी कि ये आपकी चुनाव है। अब के तो हम तो चुनाव दे साइकिल का और साढ़े से सब गेहूँ खवा लिए थे, इनका खवा गोर उनका और यह ला ला गन्ना पाती बटवर के उखड़ी पाती है ला ला खवा था तो आपकी साइकिल पर वोट दिया। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या समस्या क्या है और किस मुद्दे पर ये अब की बार चुनाव करेंगी। समस्या यही है कि साढ़ पकड़वा लीजिए साहेब, खेती बाड़ी कुछ हो ना पा रही, कुछ पैदा ना हो बा का खावा जाए, तू तो बांटा था ठीक बा, तेरा दिन कितना दिन बटवा। हाँ, सरकार किसकी बन रही है अब की बार, किसको वोट कर रही है सरकार? तो आपकी अखिलेश को बनाओ। अखिलेश? हाँ। अच्छा, अखिलेश बने। चाची क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? वैसे जैसे बताओ क्या भाई, वैसे रहा है सरकार के जीता हो जाए और के का जीता हो जाए। कौन है? किसको? मोदी का। अरे खवा लीजिए। तो बिल्कुल अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि चाहे अखिलेश हो योगी हो, तो ये कुल मिलाकर के अगर बात की जाएगी तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी दोनों तबके के लोग यहाँ पे हैं। 2022 चुनाव है, वोट डालते हैं, क्या लगता है आपकी सरकार किसकी बन रही है? 21 में योगी को जो सामूहिक वाली शादी हुई थी वो पैसा हमारे खाते पर नहीं आया। हाँ, तो सरकार, हाँ तो सरकार किसकी बना रही है आपकी बारा? सरकार ये नहीं, योगी बनावा जाए और क्या बनावा जाए, योगी को। हाँ, तो अपन अपन विचार का हक। हाँ, अब भाई जो हमारे हमें लाभ दे हैं तो वो नहीं बनावा जाए और क्या बनावा जाए। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है वो अपने मतदान को लेकर के कितना उत्साह में है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं कि 2022 चुनाव है, तारीख तय हो गई है, और क्या लगता है आपको कि अब की बार जो है वो किसकी सरकार आ रही है? मोदी की, योगी की। योगी की? महंगाई इस चरम सीमा पे जा रही है, बहुत महंगाई चल रही है। हाँ। बहुत आग लगी है महंगाई में की। हाँ। हाँ। क्या लगता है? आओ सेठ चाचा। हाँ। क्या लगता है सरकार किसकी आ रही है आपकी बार? अब वो है जो बताओ तो हम मोदी के। योगी आगे, योगी। अच्छा, योगी की लग रही है। हाँ। हाँ। क्या लगता है भाई, गन्ना तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, चूस रहे हो? गन्ना क्या अच्छा लग रहा है, सरकार किसकी आ रही है? दोनों सब पेन हुए वोट देते हैं। हाँ। वोट देते हैं ना। हाँ। 2022 चुनाव में अब की बार सरकार किसकी बन रही है, अखिलेश यादव की बनेगी, योगी की बनेगी या प्रियंका की बनेगी, कांग्रेस की? योगी बनेगी। योगी की बनेगी। तो हमारे साथ में महिला भी हैं, ग्रामीण हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि ये चुनाव है। चाची चुनाव है, वोट डालती है ना जी, किसकी सरकार आ रही है आपकी, क्या लगता है? आपकी कौन सरकार बताई भैया, जिसे सब दिया मोदी का तो हम सब दिया, अब जेका सब दे वही का हमू सब दिए। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? अब पता ना है ना कि मोदी बनाए कि वगी बनाए, वगी बनिए तो वगी के दिन जाए। वोट कहाँ जाएगा? अब हमें सबका पता ही ना है ना। हाँ, मायावती सब कहा थी, मायावती के जब दीने ना जाते तो कहाँ से पाई है? मायावती ने कुछ नहीं किया। अके तो वहाँ पहले शुरू में नहीं की है, तब वगी कहीन जो वगी कहीन। चाचा अखिलेश किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की। अखिलेश की? हाँ। क्या क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन साढ़ बछुआ बछुआ बहुत ज्यादा परेशान किए हैं, लेकिन आप हम सब छोड़ा था है, आप हम छोड़ा था, आप और लंबी है खेती आपसे। तो बिल्कुल आपने जाना कि आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है वो 2022 चुनाव को लेकर के किस तरीके दिख रही है और मिली जुली सरकार की बात कर रही है, कभी अखिलेश की बात कहीं आ रही है तो कहीं योगी आदित्यनाथ की। अगर बात की जाए तो बहुमत की तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज सरकार के रूप में देखना चाहती है जनता। मैं आपको फिर
अगली विधानसभा में लेके चलूंगा। अयोध्या से राघवेंद्र मिश्रा। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।